एक बार फिर से क्रेजी फॉर टीवी हाजिर है टीवी की आज की सात छोटी बड़ी खबरें लेकर। और चलिए जल्दी से आपको बताते हैं आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का पहली टॉप न्यूज़, शोएब ने दिया हिंट पर दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं है दीपिका कक्कर। दीपिका कक्कर दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं है, शोएब इब्राहिम दूसरी बार पापा नहीं बनने वाले। एक्ट्रेस की दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर जोरों शोरों से अफवाहें उड़ रही थी जिससे वो बुरी तरह से खफा है। वो इतना ज्यादा नाराज है कि इन अफवाहों पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहती। टीवी का तड़का दूसरी टॉप न्यूज़, तारक मेहता की सोनू पलक सिद्वानी ने 26 साल की उम्र में खरीदी दूसरी कार। तारक मेहता की सोनू यानी कि पलक सिद्वानी ने अपने 26वें बर्थडे पर नई कार खरीदी है। पलक सिद्वानी की दूसरी कार है और उन्होंने पहली कार साल 2021 में खरीदी थी। पलक ने शोरूम में जाकर कार की पूजा की और परिवार संग केक भी काटा। टीवी का तड़का तीसरी टॉप न्यूज़, भाग्यलक्ष्मी फेम मायरा मिश्रा कर रही शादी। जानकारी की माने तो मायरा मिश्रा पिछले एक साल से दिल्ली बेस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है। अब दोनों अपने रिश्ते को शादी की मंजिल तक पहुंचाने जा रहे हैं। 24 अप्रैल को दोनों की सगाई होगी और इसके बाद हो सकता है कि मायरा शो को छोड़ दें। टीवी का तड़का चौथी टॉप न्यूज, रूपाली गांगुली ने गुलाबी साड़ी गाने पर किया धांसू डांस। रूपाली गांगुली इंस्टाग्राम पर मजेदार रील शेयर करते हुए दिखती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने इस वक्त ट्रेंडिंग गुलाबी साड़ी गाने पर थिरकते हुए अपने डांस स्टेप से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। टीवी न्यूज की दुनिया में सामने आए रूपाली गांगुली के इस डांस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने एक्ट्रेस के इस डांस की तारीफ करते हुए इसे सुंदर करार दिया, जबकि दूसरे यूजर ने एक्ट्रेस के डांस को लेकर उन्हें ट्रोल भी कर दिया। टीवी का तड़का पांचवी टॉप में, आशा खान संग नाम जुड़ने पर अभिषेक कुमार ने तोड़ी चुप्पी। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि आयशा खान और अभिषेक कुमार एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी बीच अभिषेक कुमार ने ई टाइम से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने अपने और आयशा खान के रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी। अभिषेक कुमार ने कहा है कि मैं तो बहुत खुश होता हूँ, मेरे जितने भी नाम जुड़ते हैं। अच्छा, इसके साथ भी मेरा नाम जुड़ गया, वाह क्या बात है। वही आयशा ने इस विषय पर कहा था कि वो बस अच्छे दोस्त हैं। टीवी का तड़का छठी टॉप न्यूज़, समर्थ ईशा के ब्रेकअप की अभिषेक की भविष्यवाणी दूसर। इस वक्त सोशल मीडिया पर अभिषेक कुमार के पुराने वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिषेक कुमार ने अपने दोस्त मुनव्वर फारूकी संग गेम में ईशा मालविया और समर्थ जुरल के साथ रिश्ते पर बात की। एक्टर ने उस दौरान भी इन दोनों के शो खत्म होने के 2 महीने बाद ही ब्रेकअप होने का इशारा दिया। अभिषेक कुमार ने कहा था कि अगर ईशा को बाहर जाकर पता लगता है कि समर्थ उससे बेहतर है तो ये रिश्ता टिक सकता है, नहीं तो 2 महीने में ही ईशा और समर्थ का ब्रेकअप हो जाएगा। इतना ही नहीं, टीवी सीरियल स्टार ने ईशा और समर्थ का ब्रेकअप के लिए एक्ट्रेस की माँ को ही जिम्मेदार बताया था। टीवी का तड़का सातवें राखी टॉप न्यूज, इस डेट से शुरू होंगे केबीसी के नए सीजन के रजिस्ट्रेशन। सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कौन बनेगा करोड़पति 16 का प्रोमो वीडियो जारी किया है। प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति 15 को भारी मन से अलविदा कहा था, लेकिन ऐसा करना काफी कठिन होता है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन बताते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति 16 के रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं और इस खबर से फैंस बेहद खुश हो गए हैं। बताते चले कि कौन बनेगा करोड़पति 16 के रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल से रात 9 बजे शुरू होंगे।